हेलो एवरीवन, दिस इज राम तिवारी एंड यू वाचिंग इस किड्स ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम नेक्स्ट स्टेप पर आ गए हैं, हम कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीखेंगे। सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सिंथेसिस का नेक्स्ट पार्ट। सिंपल सेंटेंसेस पे काफी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। मैं आपसे बार बार कहना चाहता हूँ, अभी मैं वीडियो के पहले भी लगा दूंगा कि आप लैंग्वेज है इंग्लिश, आप रैंडमली कोई भी टॉपिक मत देखिए, कोई भी वीडियो मत देखिए, जिसको भी देखिए सीक्वेंस से देखिए, शुरुआत से देखिए, एक एक चीज को समझिए, क्योंकि लैंग्वेज को सीखना पड़ता है, पढ़ने से नहीं आया। और कोई भी सीखने की प्रक्रिया क्रम से चलती है, ठीक है? तो क्रम मतलब कि पहले पहली सीढ़ी, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, तो एक एक करके चीजों को समझते जाइए, सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, तब आएगा। ऐसे नहीं कि जो मर्जी टॉपिक आप उठाए, जो मर्जी वीडियो देखा और आपको समझ में आ जाए, कन्फ्यूजन रहेगी अगर आप इस तरह से करेंगे तो रेगुलरली शुरुआत से देखिए। मेरा चैनल देखिए, किसी का भी चैनल देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ जो आपको समझ में आया वो करिए, लेकिन जिसका भी चैनल देखिए, जिसकी भी वीडियो देखिए, वो शुरुआत से पढ़िए। किसी भी टीचर से पढ़िए तो आप शुरुआत से पढ़ेंगे तो होता है ना कि कोई भी नया, अगर आप कोचिंग बीच में पकड़ते हैं, स्कूल मान लीजिए नहीं गए, दो चार दिन छूट जाता है, तो दिक्कत होती नहीं होती है? तो वही बात है, अगर आप शुरुआत से नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी। आज हम कंपाउंड सेंटेंस देखेंगे, तो कंपाउंड सेंटेंस के बारे में आपको मैंने पहले भी बता दिया है, सिंथेसिस का जो पहला इंट्रो टाइप वीडियो था उसमें भी, और इस वीडियो में बता रहा हूँ कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है। इसमें बेसिकली दो क्लासेस होते हैं, दो प्रिंसिपल क्लासेस कहना चाहिए, और ये कहना ज्यादा सही होगा कि दो फाइनाइट वर्ब मिलेंगी। अभी तक आपको क्या एक फाइनाइट वर्ब मिल रहा था, लेकिन अब दो फाइनाइट वर्ब मिलेंगी एक सेंटेंस में, तो दो फाइनाइट वर्ब रहेगा। फाइनाइट वर्ब क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया कि फाइनाइट वर्ब जो बदलता है अपने सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार बदले, पर्सन के अनुसार बदले, टेंस के अनुसार बदले, लेकिन बदले, तो जो बदलता है उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं, जो नहीं बदलता है उसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अभी तक हम देख रहे थे कि एक ही फाइनाइट वर्ब आ रही थी, बाकी नॉन फाइनाइट चेंज कर लेते हैं, लेकिन अब फाइनाइट वर्ब आएंगी एक से ज्यादा, यानी कि दो फाइनाइट वर्ब होंगी, ठीक है? यही मेन अंतर है, इसी को आपको समझना है। कंपाउंड सेंटेंस में दो फाइनाइट वर्ब होती है, दो सेंटेंसेस को या तीन सेंटेंस को हम जोड़ते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस को जोड़ा जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, ठीक है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कह सकते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है? कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट मतलब समतुल्य, मतलब मिलजुल करके काम करना, लेवल पर एक समान, तो दो समान चीजों को जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। जैसे नाउन को नाउन से जोड़ दिया, प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ दिया, वर्ब को वर्ब से जोड़ दिया, तो उसी तरह से यहाँ पर क्लास को क्लास से जोड़ते हैं, वो भी प्रिंसिपल और प्रिंसिपल क्लास को जोड़ते हैं, तो इसलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज होता है, क्योंकि दोनों प्रिंसिपल होते हैं, एक प्रिंसिपल और एक सबऑर्डिनेट होता है, ऊपर नीचे का काम नहीं होता, दोनों लेवल के होते हैं, मतलब सेम लेवल के। ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे क्लासेस को जोड़ा जाता है, फ्री क्लास कर सकते हैं, फ्री सेंटेंसेस कर सकते हैं आप, तो इसलिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज किया जाता है। मैंने यहाँ पर दे दिया है, आप इसको देख लीजिए और अच्छे से नोट कर लीजिए, ना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? इधर हो जा रहा हूँ मैं, इधर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप इधर का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट पास करके नोट कर लीजिए। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन चार तरह का होता है, पहला कुमुलेटिव, दूसरा एडवर्सेटिव, तीसरा है इलेटिव और चौथा अल्टरनेटिव। ये चार तरह के कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, पहले इनको समझ लीजिए अच्छे से होता क्या है। कुमुलेटिव कंजंक्शन उसको कहते हैं जो नॉर्मल सेंटेंसेस को जोड़ता है, सामान्य सेंटेंसेस को जोड़ता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं होती, ठीक? लेकिन इन तीनों में कंडीशन होती है, इस तरह से अंतर आप कर पाएंगे। अगर कंडीशन है तो हम कोई और लगाएंगे, नहीं तो फिर कुमुलेटिव कंजंक्शन लगा देंगे। अब एडवर्सेटिव अगर कहते हैं तो उसमें कौन सी कंडीशन होती है? एडवर्स करना मतलब अपोज करना, ये अपोजिट यानी कि विरोध। अपोज करना मतलब क्या होता है? विरोध करने वाले सेंटेंसेस को जो एक दूसरे के विपरीत हो, ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है। आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए बट मतलब ऐसा है लेकिन ऐसा है, हिंदी में मैंने लिख दिया है बट है, स्टिल है, येट है, नेवर, लेस ना, इस तरह से कई सारे कंजंक्शन हैं। एडवर्सेटिव कंजंक्शन दो अपोजिट चीजों को, दो अपोजिट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए काम आएंगे, ठीक? कुमुलेटिव कंजंक्शन दो समान, जैसे एंड हो गया, एज वेल एज, मतलब एक जैसे चीजों को जिसमें कोई भी नेचर में अंतर ना हो, ठीक? लेकिन एडवर्सेटिव विरोधी यानी कि अपोजिट प्रिंसिपल क्लास को जोड़ेगा। अब बात करें इलेटिव कंजंक्शन की,
इलेटिव कंजंक्शन में क्या होता है, इलेटिव कंजंक्शन मतलब इलेट करना, ये क्या होता है कारण और परिणाम बताता है। इसमें क्या होता है कारण और परिणाम वाले सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है। पहले भी हम इस तरह का सेंटेंस पढ़ चुके हैं लेकिन उसमें नॉन फाइनाइट एक था, अब यहाँ पर दो दो फाइनाइट वर्ब को रखेंगे, नॉन फाइनाइट बनाने की जरूरत नहीं है। कारण और परिणाम वाले सेंटेंसेस को अगर हम कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हैं, सिंपल सेंटेंस बनाना होगा तो हम एक को फाइनाइट और दूसरे को नॉन फाइनाइट करेंगे, लेकिन अगर कंपाउंड बनाना है तो दोनों को ऐसे को ऐसे रखेंगे और इन कंजंक्शन के माध्यम से जोड़ देंगे। जैसे देयर फॉर मतलब अदर, हिंदी लिख दिया मैंने, सो हो गया, फार हो गया, ठीक। अब लास्ट बात करें अल्टरनेटिव कंजंक्शन, अल्टरनेट करना, अल्टरनेट मतलब या तो ये या वो, हाँ। तो यहाँ पर हो जाता है च्वाइस, यानी कि चुनाव करने के लिए मिल जाता है आपको, ठीक है, च्वाइस मिलती है, जो चाहे चुनने के लिए मिल जाएगा, ठीक। क्या करने के लिए, चुनने के लिए, जैसे आर हो गया, आइदर आर हो गया, अदरवाइज हो गया, नाइदर नार हो गया, ठीक। अब आप समझ चुके हैं कि ये चार कंजक्शन है, चार तरह के कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन कहिए चाहे कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहिए, फिर से बता रहा हूं, कुमुलेटिव कंजक्शन समान चीजों को जोड़ने के लिए, एडवर्सेटिव अपोजिट चीजों को जोड़ने के लिए, इलेटिव कंजक्शन कारण और परिणाम वाले सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, और अल्टरनेटिव कंजक्शन च्वाइस वाले सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे कौन कौन से सेंटेंसेस है, एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे समझ में आता है। तो एग्जाम्पल मैं पहला एग्जाम्पल लिख रहा हूं कि जैसे मेरा एग्जाम्पल लेते हैं, आई टीच इंग्लिश, भाई मैं तो अंग्रेजी ही पढ़ाता हूं, मुझे और कुछ आता नहीं है, इंग्लिश भी थोड़ा बहुत आता है, तो आई टीच इंग्लिश, ठीक। आई हेल्प द स्टूडेंट्स, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं बच्चों की मदद करता हूँ, विद्यार्थियों की मदद करता हूँ। तो अब देखिए ना, बड़ी सेंटेंस है कि वो पढ़ाता हो और बच्चों की मदद करता हूँ। ऐसे ही आपको हिंदी अगर आप समझते हैं तो ट्रांसलेट करना जानते हैं तो काफी अच्छे से आप जोड़ पाएंगे हिंदी में, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ और बच्चों की मदद करता हूँ, मैं अंग्रेजी भी पढ़ाता हूँ और साथ में बच्चों की मदद भी करता हूँ, जैसे चाहे जोड़ सकते हैं सारे तरीके। देखिए नॉर्मल सेंटेंस एंड लगाइए, एज वेल एज लगाइए, बोथ एंड लगाइए, नॉट ओनली बट आल्सो लगाइए, सबके साथ जुड़ेगा। जैसे पहले हम जोड़ते हैं एंड के साथ, आई टीच इंग्लिश एंड हेल्प द स्टूडेंट्स, हो गया कंपाउंड सेंटेंस है। कैसे पहचानेंगे, दो फाइनाइट वर्ब, एक यहां पे है दूसरा यहां पे है, दो फाइनाइट वर्ब आएंगी तो वो कंपाउंड होगा, एक फाइनाइट वर्ब दूसरा नॉन फाइनाइट, सिंपल सेंटेंस, ठीक। तो ये कंपाउंड हो गया ना, एंड लगा करके छोड़ दिया, अगर एंड नहीं लगाना चाहते हैं तो एज वेल एज लगा दीजिए, आई टीच इंग्लिश एज वेल एज हेल्प द स्टूडेंट्स, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही आप ट्रांसफॉर्मेशन में भी सीखेंगे, अर्थ ना बदले और सेंटेंस को हम बदल दें, तो ये आपको समझना होगा, यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा, एक साथ दो काम, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, एक पंथ दो काज, तो इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, बोथ हैंड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आई डू बोथ, मैं दोनों काम करता हूं, टीच इंग्लिश एंड हेल्प द स्टूडेंट्स, ठीक है। आई डू बोथ टीच इंग्लिश एंड हेल्प द स्टूडेंट, इस तरह से हो जाएगा। अगर आप नॉट ओनली बट आल्सो लगाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, आई नॉट ओनली टीच इंग्लिश, यहां पर मैं लिख गया हूं, जैसे हो जाएगा देखिए, आई नॉट ओनली टीच इंग्लिश, मैं न केवल इंग्लिश पढ़ाता हूं बट आल्सो हेल्प द स्टूडेंट्स, ठीक। तो देखा आपने, चारों तरह से बन गया, ओके, जैसे बनाना चाहे अर्थ वही रहेगा, मैं पढ़ाता भी हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं और मैं बच्चों की मदद भी करता हूं। तो
ऐसे ही आप भी जोड़ लेंगे, बहुत आसानी से जोड़ लेंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाइएगा, मेरा भी उत्साह बढ़ेगा थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, समझ में आ जाएगा तो कोई भी सेंटेंस जोड़ लेंगे। एडवर्सरी कंजंक्शन, विरोध बताने वाले सेंटेंस, कैसे देखिए। पहला सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, माय फादर इज पुअर, मेरे पिताजी गरीब है ऑब्वियसली, ठीक। ही इज हैप्पी, गरीब आदमी अक्सर दुखी होता है, सिनोनिम्स ले लिया जाता है पुअर और सैड, लेकिन पिताजी गरीब है पर खुश है। देखिए अपोजिट हो गया, बट लगाइए, स्टिल लगाइए, येट लगाइए, नेवरथलेस लगाइए, हाउएवर लगाइए, ओनली लगाइए, व्हाई लगाइए, जो लगाइए, जो जैसे मन करे आपका वैसे जोड़ सकते हैं। बट पहले मैं सब जोड़ता हूं, माय फादर इज पुअर बट हैप्पी, मेरे पिताजी गरीब है पर खुश है, ओके। अगर आप स्टिल लगाना चाहते हैं तो स्टिल से जोड़ सकते हैं, या किससे भी जोड़ सकते हैं, जैसे माय फादर इज पुअर येट हैप्पी, ठीक, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सारे एग्जांपल्स सारे तरह से आप जोड़ सकते हैं, मैं सब नहीं लिख के बता रहा हूं। बात करते हैं कारण और परिणाम की, कैसे सेंटेंस जोड़ेंगे। तो जैसे I did not upload video regularly. सही बात है भाई, मैंने regularly video upload नहीं किया, तो क्या हुआ, lots of subscribers unsubscribed my channel, ठीक है। मैंने रेगुलरली वीडियो अपलोड नहीं किया तो ये कारण था, इसीलिए बहुत सारे अब सब्सक्राइबर क्या हो गए, अनसब्सक्राइब हो गए। कारण परिणाम है, जोड़ देंगे, देयर फोर से जोड़िए, सो से जोड़िए, पावर से जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं। सबसे आसान इसमें क्या, पहले सेंटेंस को पहले रखना है, दूसरे को दूसरे बाद रखना है, ज्यादा दिक्कत तो हो रही है। तो आई डिड नॉट अपलोड वीडियो रेगुलरली, so lots of subscriber unsubscribed my channel, total sentence copy paste हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। for लगाते हैं तो कैसे जोड़ेंगे ये मैं आपको बता दे रहा हूं। for यहां लगाएंगे, सबसे पहले for I did not upload video regularly, lots of subscriber unsubscribed my channel, ठीक है। Therefore और so बीच में लगेगा, फॉर यहां पहले लग जाएगा, बस यही अंतर है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अल्टरनेटिव कंजंक्शन, अल्टरनेट करना, चॉइस वाले सेंटेंस चुनने के लिए आपको मिलता है। देखिए subscribe my channel and hit the bell icon, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, हिट कर दीजिए, नहीं तो क्या होगा, यू विल मिस द अपकमिंग वीडियोज। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, नहीं तो आप आने वाली वीडियोस को मिस कर देंगे। जोड़ दीजिए सेंटेंस आराम से, अब और लगाइए, आइदर और लगाइए, अदरवाइज आप जैसे चाहे जोड़ सकते हैं, जैसे सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, लिख दे रहा हूं मैं, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन,
ठीक, आर लगाइए तो आर क्या हो जाएगा, मिस दी अपकमिंग वीडियोस, ठीक इस तरह से हो जाएगा, आइदर सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन और मिस द अपकमिंग वीडियोस, अदरवाइज लगाना चाहते हैं सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, अदरवाइज यू विल मिस द अपकमिंग वीडियोस, ओके नाइदर नॉट, ठीक है। ना दोनों काम ना कर सकते हैं आप, पर करिएगा नहीं इसलिए मैं सोच रहा था, neither subscribe my channel and hit the bell icon nor miss the upcoming video, आप आपके ऊपर है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है ना बेल आइकन हिट करना है, और ना जब आप करेंगे नहीं तो फिर मिस क्या करेंगे, तो ऐसा मत करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा नहीं किया है तो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।